मैं आज ना कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ। अरे सुंदर हूँ, लड़के वालों को समझना चाहिए ना, मुझे देखने के लायक क्या जरूरत है। फोटो में तो देख ही लिया उन लोगों ने, फोटो में देख के फ्लैग हो ही गए ना वो लोग। हाँ फॉर्मेलिटीज है ना, करना पड़ेगा, घर आके देखना, फिर थोड़ा बातें करना। हाँ ठीक है, पर मुझे किसी ने आज तक रिजेक्ट नहीं किया, हमेशा मैं रिजेक्ट करती हूँ। अरे सुंदर हो ना, और इंडिया में यही तो चलता है, सुंदर लड़की और पैसे वाला लड़का, मेड फॉर इच अदर जोड़ी। रब ने मिला दी जोड़ी। और सुंदर लड़की को ना इससे हैंडसम पति की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सुंदर हूँ इतनी। बस आज का वाला ना बहुत ज्यादा पैसा वाला होना चाहिए। और मेरा रूप रंग देख के मेरे पीछे ना पागल हो जाना चाहिए, बिल्कुल पागल। और मैं बहू बन के राज करूंगी, राज पति की दिल में और ससुराल में। हे भगवान जी, आज मेरे लिए रिश्ता आ रहा है, मुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है, और वो राहुल मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पीछे पड़ रहा है। यार मुझसे करोगी शादी, किसी और से करोगी? धोखेबाज, मैं धोखेबाज हूँ, मुझे धोखेबाज बना दिया उसने। अरे थोड़े मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ क्या? अरे वो बेकार है राहुल, बिल्कुल बेकार है, भगवान जी कुछ काम नहीं करता, उसको बस मुझे प्यार करना है और मेरे पीछे पागल रहना है, बस उतना ही। मेरे मम्मी पापा हमेशा से, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरे शादी ना किसी बहुत अमीर इंसान से हो, जो बहुत सक्सेसफुल हो। नहीं ये नहीं समझता है, कुछ नहीं करता है, मेरा हाथ कैसे मांगेगा? अरे मुझे क्या खिलाएगा वो शादी के बाद? मेरे बच्चे बच्चे कैसे पालेगा वो? नहीं उसको तो बस मेरे पीछे पागल रहना है, बस प्यार करना है, प्यार करना है, पागल प्रेमिक। अब मुझे धोखेबाज बना दिया उसने भगवान जी, क्या करूं मैं बताइए? राहुल को नहीं छोड़ सकती और शादी भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूं क्या करूं भगवान जी? मैंने क्यों प्यार किया था, क्यों प्यार किया था उस बेकार से। गर्मी है ना, पता नहीं कैसे दिख रहे। अरे जींस भी देखो क्या फर्क पड़े, लड़का ही आ रहा है ना देखने के लिए मुझे, मुझे पसंद करे ना करे उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अरे मैं टॉपर थी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, 2 लाख सैलरी है मेरा, अभी जॉब करती हूँ मैं। हाँ मुझे रिजेक्ट करेंगे कोई? अरे करने दो, पसंद तो मुझे करना चाहिए, मुझे देखने के लिए आए हैं, जाना तो मुझे ही चाहिए ना देखने के लिए। अरे करने दो, कौन पसंद करते कौन रिजेक्ट करते मुझे इससे क्या मतलब। हाँ बस आए हो देखने के लिए तो देख लो भाई। अरे मैं डरती हूँ किसी से? हाँ मैं डरती हूँ किसी से, कोई पसंद करे ना करे, मेरा शादी हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। अपना खा सकती हूँ अपने से कमा के, और मैं खिला भी सकती हूँ। हाँ अरे खरीद लूंगी मैं लड़का, खरीद लूंगी, कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी देखो, जैसे भी दिखती हूँ मैं, आई डोंट केयर। अरे थोड़ा सा तो केयर करना चाहिए ना, क्या करे लड़की हूँ शादी। पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ, सुंदरी दिख रही होगी, पता नहीं मैं इतना नर्वस क्यों हो जाती हूँ। लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, थोड़ी ना मेरा एग्जाम है, मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ। इसी नर्वसनेस के कारण अभी तक जितने भी रिश्ते आए हैं ना मुझे देखने के लिए, लड़के आए हैं, सभी ने रिजेक्ट किया है, कुछ ना कुछ गलत बोल ही देती हूँ नर्वसनेस में आके। हे भगवान जी आज बचा लीजिए, आज ना मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, जो पूछेंगे ना हाँ और ना मैं जवाब दे दूंगी। पता नहीं मुझे इतना नर्वसनेस क्यों होते हैं।
लड़के देख के अजीब सा फील होती है मुझे, इसीलिए कभी बॉयफ्रेंड बना नहीं मेरा। पता नहीं ऐसा क्यों, मेरे फ्रेंड्स के कॉलेज में 10-10 बॉयफ्रेंड्स थे, एक एक के 10-10 बॉयफ्रेंड्स, और मेरा एक भी नहीं। ऊपर से अब शादी के लिए जब लड़के आते हैं देखने के लिए, वो भी रिश्ते नहीं हो पाते। अरे क्या कमी है मुझ में, ठीक तो दिखती हूँ मैं, पढ़े लिखे भी हूँ, ये नर्वसनेस ना पता नहीं क्यों नर्वस हो जाती हूँ इतना। नहीं नहीं आज ना, आज कुछ भूल नहीं करूंगी, जो भी पूछेंगे हाँ ना में मुझे जवाब देना है। हाँ बस भगवान जी आज का रिश्ता पक्का कर दीजिए।